नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को लेकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर अब खुद घमासान मचा हुआ है। दरअसल पार्टी ने खुद अपने दरवाजे गोडसे भक्त के लिए खोल दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी हिंदू महासभा के टिकट से ग्वालियर पार्षद रहे और गोडसे के समर्थक बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसे लेकर पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कमलनाथ पर सवाल भी खड़े किए हैं। इसने बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका दे दिया है। बाबूलाल चौरसिया 2017 में ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति की स्थापना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने खुद को जनजात कांग्रेसी बताया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी का इस्तेमाल सिर्फ वोट और नोट के लिए किया जाता है। कांग्रेस इस मामले में सफाई देती नजर आई। कांग्रेस कह रही है कि वोट और नोट की राजनीति बाबूलाल चौरसिया ने ज्वाइन की, तो कांग्रेस गोडसे समर्थकों की कांग्रेस में एंट्री पर बीजेपी अब पूरी तरह से कमलनाथ पर हमलावर हो गई है। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो शो कॉल्ड गांधी है, तथाकथित गांधी है, वो ही है। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं, वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। जैसे अंबेडकर जी इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही हैं, जैसे सरदार पटेल इनके लिए वोटों तक ही है। आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सरदार पटेल की प्रतिमा पर नहीं गया है, जो स्टैचू बना है उस पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।